ऑनलाइन टेक्निकल एम्प्लॉय में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में आइडिया वोडाफोन का आप आसानी से कैसे सिम स्वैपिंग कर सकते हैं। जैसे कि किसी कस्टमर का सिम खो जाता है या डैमेज या टूट जाता है, तो आप आसानी से स्मार्ट कनेक्ट से निकाल सकते हैं। तो इसे स्मार्ट कनेक्ट से सिम स्वैपिंग करने के लिए आपको सर्विसेज में जाना होगा। इसके बाद सिम एक्सचेंज का प्रोसेस है, इसमें आपको सिम एक्सचेंज पे क्लिक करना होगा। चलिए दोस्तों, हम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, कस्टमर का जो नंबर खो गया है आइडिया या वोडाफोन का, उसको एंटर कर लेते हैं। इसके बाद इसको प्रोसीड कर देते हैं अपना पिन डाल के। इसके ये देख, यहाँ से प्रोसीड करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड करते हैं, इसके बाद आपके लैपटॉप का पिन मांगेगा, वो पिन एंटर करते ही कस्टमर की डिटेल आपको शो होने लगेगी। इसमें आधार कार्ड और पहचान पत्र से आप अपनी डिटेल मैच करके, इसके बाद आप एक नॉर्मल सिवाइंग नंबर ले लेंगे। जैसे ही सिवाइंग नंबर लेते हैं, उसको स्कैन कर लेंगे। आइडिया वोडाफोन का कोई भी हो, दोनों प्रोसेस सेम है। इसके बाद जैसे ही आप स्कैन कर लेते हैं, इसके बाद आप एरो के निशान को क्लिक करके इस डिटेल को सबमिट कर देंगे। अब आपको कस्टमर के अल्टरनेट नंबर शो होगा, जिसमें आपको लास्ट के 4 डिजिट शो होगी। इस नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसमें यहाँ से चेंज कर लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर चेंज करते समय कस्टमर से पूछ लेना है, आपके पास कोई अदर नंबर है ठीक, या आपके पास जो नंबर शो हो रहा है या कस्टमर का नंबर है, ये मैच करा लेंगे। जैसे ही सारी डिटेल आपकी मैच हो जाती है, इसके बाद आपको लॉस्ट के प्रोसेस पे करना होगा। यानी लॉस्ट के मैं दिखा देता हूँ, इसके एक बार टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आपको शो होगा। इसमें आपको कस्टमर ने जिस डॉक्यूमेंट्स पे अपना सिम एक्टिवेशन कराया था, वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे। और अब कस्टमर की डिटेल को, सारी डिटेल को आप आसानी से फिल कर देंगे। जिस तरह के आधार कार्ड पे ये सिम लिया हुआ था, हमने इसमें अपने आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट आईडी सेलेक्ट करके आधार नंबर एंटर करके, अब हम डॉक्यूमेंट के फर्स्ट और सेकंड यानी बैक और फ्रंट दोनों फ़ोटो खींच लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम अपनी बैक की फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों हमारी ये प्रोसेस सबमिट होता है, इसके बाद आपको कस्टमर का एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है वाइट बैकग्राउंड पे। जैसे ही दोस्तों वाइट बैकग्राउंड पे आप कस्टमर का फ़ोटो क्लिक करते हैं, इसके बाद अपनी डिटेल को आप सबमिट कर देंगे। चलिए दोस्तों, हम अब कस्टमर का लाइव फ़ोटो क्लिक करने के बाद डिटेल सबमिट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सिम सक्सेसफुली स्वैपिंग। फोटो में लास्ट तक बनाने के धन्यवाद।